जी अभी फिलहाल अभी जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, कोई दमकल का गाड़ी अभी तक नहीं पहुंचा है यहाँ पे। वो बस गड्ढे में खाई में गिर गया, तरीके से खाई में गिरा हुआ, कोई दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। हालांकि स्थानीय थाना जोर पहुंच गया, प्रशासनिक पदाधिकारी से जो हमारी फोन से बात हुई है वो लोग भी पहुंच रहे हैं, ऑन वे हैं रास्ते में, वो लोग भी 5-10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। फिलहाल ग्रामीणों ने अपने सहयोग से 5 यात्रियों को बस के अंदर से निकाला है, लेकिन जिस तरीका से बस आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी पलटा हुआ नीचे गड्ढा में खाई जैसा बना हुआ है, और बारिश भी हो रहा है जिस वजह से बाकी यात्रियों को निकाल पाना संभव नहीं हो पाया, और वो संभव है क्योंकि उसकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, वो जल कर दीजिए। पंकज एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कहाँ लेकर जाया गया, स्थिति क्या है उनकी? फिलहाल 5 यात्रियों को उसमें से सकुशल निकाला जा सका है, ग्रामीणों ने जिसे निकाला है, और मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए फिलहाल भर्ती कराया गया है। और फिलहाल अभी बाकी जो अन्य यात्री हैं वो अंदर बस में ही फंसे पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। जी जो लोग अभी फंसे हुए उनकी स्थिति के बारे में कुछ बता पाएंगे अभी आप? जी जहाँ तक स्थिति की बात करें तो बस बिल्कुल ही अब जल के नष्ट हो चुका है, वहाँ पे अब उनका शायद जिंदा बचाना असंभव सा दिख रहा है। जी क्या बच्चे भी इस बस में सवार थे, महिलाएं भी सवार थी? जी फिलहाल जो यात्री जिनको बचा करके निकाला गया है उनसे उनको वहां से ले जाकर अस्पताल में ले जाएंगे, उनसे हमारी टीवी पर बात नहीं हो पाई, लेकिन तो ग्रामीण जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि इसमें कोई बच्चे को सवार नहीं थे, लेकिन यात्रियों का चिल्लाने का दर्दनाक चिल्लाने का आवाज स्थानीय लोगों ने जोर सुना था। जी प्रशासन क्या कह रहा है, बता रहे अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं? जी हालांकि हमारी इस बारे में जिलाधिकारी से बात हुई है, यहाँ पे सदर जीएसपी से बात हुई, लोग बोल रहे हैं कि बस हम लोग ऑन वे हैं। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि 32 यात्री इसमें सवार थे, मुजफ्फरपुर से बस चली थी, कितने यात्रियों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि 5 कैजुअलिटी हुई है, 5 को हम लोगों ने निकाल लिया, और बाकी यात्रियों की सही संख्या पहुंचने के बाद ही बता पाएंगे कितनी की मौत हुई थी। पंकज 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, आधिकारिक पुष्टि को लेकर क्या कहेंगे? जी अधिकारी जहाँ तक हम लोग मौत की संख्या की अगर बात करें तो कोई ग्रामीण 12 बता रहा है, वहीं जो 25 लोग जो निकाले गए सही स्पष्ट कीजिएगा, 5 लोग जो निकाले गए सही सलामत, उसमें से एक यात्री ने ग्रामीण को बताया, ग्रामीण के हवाले से जो हमें सूचना मिल पा रही है यहाँ पे कि 32 यात्री सवार थे, जो मुजफ्फरपुर में बस में 32 यात्री सवार होकर दिल्ली के लिए चले थे, ऐसे में अगर 5 यात्री को निकाला गया तो जाहिर सी बात है 27 यात्री अंदर फंसे पड़े होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो रही है, पुलिस का कहना है कि हम वहां पहुंच गए थे, अधिकारी का कहना है कि मैं कुछ हकीकत बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो अफरा तफरी की स्थिति है जिस तरीके से बस में आग लग गया है सही सही आंकड़ा थोड़ी देर के बाद ही मिल पाएगा। जी मुजफ्फरपुर बस स्टैंड पर बिल्कुल अप्रत्यक्षदर्शी वहां पर होंगे जाहिर तौर पर, जिस वक्त हादसा हुआ आसपास लोग मौजूद रहे होंगे, उनका क्या कहना है, बस के पलटने का कारण क्या है, तेज रफ्तार में थी या फिर बारिश हो रही थी इस वजह से यह हादसा हुआ? जी स्थानीय लोगों का कहना है, हालांकि ये हाईवे है बगल में कोई घर है नहीं, इस वजह से प्रत्यक्षदर्शी को स्पष्ट तौर पर कोई मिल नहीं पाया, लेकिन जब लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ, जिन लोगों से हमारी बात हो पाई, उनका कहना है कि बस तेज गति से आ रहा था और अचानक से बस नियंत्रण खोकर सड़क के निचारे पलट गया बस, उसके बाद बस में आग लग गया, आग के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब तक ये लोग स्थानीय लोग पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हुई, तो 3-4 से 5 लोगों को ही वो निकाल पाए और बाकी लोग निकाल पाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि बस खाई में गिरा हुआ। जी बस चालक को लेकर कोई जानकारी पंकज? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, बस निकाले गए यात्री 5 लोग जो बचाए गए वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा उसमें कोई बस यात्री है या फिर वो सब यात्री ही है। जी एक बात और जानना चाहेंगे पंकज आपसे कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग अपने स्तर पर ही पानी से आग बुझाने की, हालांकि बारिश हो रही है उसके बाद भी लोग पानी ला रहे हैं, डाल रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आसपास मिट्टी है, रेत है, उससे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे के कितनी देर के बाद प्रशासन को खबर मिली और कितनी देर के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे? अब अगर बात करें तो सामने अधिकारी हमें दिखाई दे रहे हैं, अधिकारी भी पहुंचने लगे हैं यहाँ पे, स्थानीय कोतवाल थाना सबसे पहले पहुंचा, उसके बाद फिर ये सदर डीएसपी पहुंचे और बारी बारी से सब लोग अब पहुंचने लगे हैं, लेकिन ये सदर से इसकी दूरी भी 20-22 मीटर घटनास्थल की दूरी है, सदर मुख्यालय जिला मुख्यालय से अधिकारी आने में थोड़ा वक्त भी यहाँ पे लगा है, और धीरे धीरे अब यहाँ पे अधिकारी पहुंच रहे हैं, दमकल की गाड़ी यहाँ पहुंचने लगी है। जी बिल्कुल पंकज वापस पहुंचेंगे आपके पास, बने रहिए, बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी ये बस, जिस वक्त यह हादसा हुआ है, बस के गड्ढे में गिरने से हादसा हुआ है, जानकारी ये भी मिल रही है कि बस काफी तेज गति से जा रही थी जिस वजह से यह हादसा हुआ है, लोगों ने अपने स्तर पर ही आग बुझाने की कोशिश की और जलती बस से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, बस में कुल 32 लोग सवार थे जिनके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और यह आवाज सुनकर बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हुए, प्रशासन को इसकी सूचना दी गई लेकिन उसके पहले लोगों ने ही अपने स्तर पर बस में फंसे हुए सवारियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोशिश की जाती तब तक कई लोगों की दम घुटने से मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश करके 5 लोगों को बाहर निकाला। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा हुआ है।
अभी बारिश भी वहां पर हो रही है, जिसके चलते थोड़ी दिक्कतें भी लोगों को आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं उससे उसको देखकर ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है कि क्या जो लोग अभी इस बस में फंसे होंगे क्या वो अभी सकुशल होंगे। और अभी अपडेट मिल रहा है कि मुजफ्फरपुर से ये बस दिल्ली जा रही थी और मोतिहारी में यह हादसा हुआ है। बस में कई लोगों के सवार होने, कुल 32 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है, जिनमें से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों को निकाला गया है, पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी मीडिया संवाददाता पंकज लगातार मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। पंकज, अभी की स्थिति अगर हम जानना चाहें रेस्क्यू को लेकर, तो प्रशासन की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं? प्रशासन की ओर से अब यहाँ पे डीएसपी यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ के स्थानीय जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी वर्ग के सारे लोग यहाँ पहुंच गए हैं, दमकल की गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच गई है। और आग अब वैसे भी बरसात की वजह से आग अब थोड़ा कम भी हो गया है और यहाँ पे कोशिश की जा रही है अब देखने के लिए कि अंदर क्या कुछ जिंदा बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। एहतियातन सदर अस्पताल में जिला प्रशासन अलर्ट कर दिया है और निजी नर्सिंग होम में कोशिश कर दिया गया कि यहाँ से जो भी यात्री जाए, यहाँ घायल यात्री क्या उन्हें तत्काल बेहतर से बेहतर सुविधा इलाज मुहैया कराया जा सके। क्या अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है, इससे जाहिर तौर पर मुश्किलें भी हो रही होंगी लोगों को? जी, मोतिहारी की अगर मौसम की बात करें तो सुबह से यहाँ बरसात हो रहा है, रुक रुक से बारिश हो रही है, फिलहाल अभी बारिश चल ही रहा है। जी पंकज, जो आसपास वहां पर लोग मौजूद हैं जो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे, उनका क्या कहना है, कोई बातचीत हो पाई हो आपसे? जी, यहाँ पर स्थानीय लोगों से हमारे कई लोगों से बात हुई है और यहाँ तो बिल्कुल भीड़ सा लगा हुआ है और ऐसा देखने को भी अक्सर मिलता है जब भी कोई घटना घटता है तो स्थानीय लोग सबसे पहले मददगार के तौर पर वो सामने आते हैं और अपनी जान हथेली पर रख के वो यात्रियों की सुरक्षा देते हैं, यात्रियों को बचाते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यात्री भी यहाँ पे ग्रामीण भी आगे बढ़ करके लोगों को, यात्रियों को निकाले, बस से निकाले और फिलहाल यहाँ पे हमें लगता है 4-5 हजार की अगल बगल के पूरे गाँव के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। और जैसे भी आज की तरह जंगल की आज की तरह ये बात चल रहा है कि कई दर्जनों लोग ऐसे मरने के आज की जब खबर फैली तो पूरा भीड़ यहाँ पे लगा हुआ, ट्रैफिक जाम में ये इन्हें चखाई बिल्कुल ही आवागमन यहाँ ठप हो गया। जी पंकज, अगर हम हादसे का वक्त जानना चाहें, कितनी देर पहले किस वक्त यह हादसा हुआ, क्योंकि जानकारी अभी ये मिली है कि ये बस मुजफ्फरपुर से चली थी और दिल्ली जाने वाली थी, मोतिहारी में यह हादसा हुआ है? जी, ये अभी जैसे अब अगर हम समय की अगर बात करें तो अभी समझ 30 मिनट आधे घंटे पहले का यह घटना है कि जब यहाँ पे कुतवा के पास इन्हें चखाई पर बस हादसा हुआ। जी, मैं आधे घंटे में बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है, तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और इस तस्वीर को देखकर यह समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी इस तरह के से गड्ढे में जो बस फंसी हुई है उसे लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर भी लोग अपने स्तर पर कोशिश करते रहे कि किसी तरह के से जो लोग बस में अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके और काफी मुश्किल से मशक्कत के बाद करीब 5 लोगों को बाहर निकाला जा सका। बस में कुल 32 यात्री सवार थे जिनमें से 5 लोगों को बचाया जा सका है। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उससे ये कहना, इन तस्वीरों को देखकर ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि जो लोग इसमें फंसे हैं वो फिलहाल सकुशल होंगे या उन्हें बचाया जा सका होगा। लेकिन फिर भी लोग अपने स्तर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। अगर कोई ऐसी स्थिति में हो जिसे अस्पताल पहुंचाया जाए और उसकी जान बचाई जा सके तो वो कोशिश भी लगातार लोगों की ओर से की जा रही है। बारिश भी हो रही थी, ऐसे में थोड़ी परेशानी भी हुई वहां पर रेस्क्यू करने में, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे। जब यह हादसा हुआ, करीब 30 मिनट पहले यह हादसा हुआ है और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास 1-2 लोग ही मौजूद थे, लेकिन जब बस में से तेज आवाज आने लगी, लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई, तब बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और अपने स्तर पर ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई, थोड़ी देर के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी ओर से भी कोशिश की गई कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिर भी 5 लोगों को ही सकुशल बाहर निकाला जा सका। बस में कुल 32 लोग सवार थे, आपको बता दें ये बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही थी और मोतिहारी में यह हादसा हुआ है। काफी तेज गति थी, काफी स्पीड में यह बस थी जिसके चलते यह हादसा बताया जा रहा है। बस गड्ढे में पलट गई और जैसे ही गड्ढे में यह बस पलटी वैसे ही इसमें आग लग गई है। इस बस हादसे में
पहले तो 12 लोगों की मौत की खबर आसपास के लोग कह रहे थे, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि